राम राम जी। और क्या मजा आ रही है। हाँ वीर जी, वैसी वक्त कट रहे हैं, बर्नर जल रहा है मस्त। आग के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए भाई। ये हमारे बर्तन आज डिनर में क्या है, फ्राइंग पैन भी है वैसे तो। मैं ना अंडे लाया हूँ, मैं चिकन लाया हूँ, मैं सॉसेज लाया हूँ और ब्रेड लेके आया हूँ, और नमक और काली मिर्च में भी मैंने खरीद ली थी। इस बार घर से मसाले नहीं लेके आया, इनसे ही कुछ बना के खाते हैं सैंडविच पैंडविच। कैसा बटर है। अरे यार ये तो लंबा वाला आ गया, टिकिया सी चाहिए थी। कोई नहीं, इसी से चलाएंगे काम। ओ ये डाला बटर, पहली बार बना रहा हूँ ऐसे चिकन, बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं पता। नमक डालते हैं, नमक कितना होना चाहिए स्वाद अनुसार, पता ही नहीं चलती। ये होगा स्वाद अनुसार, कितना होता है स्वाद अनुसार। और लेके आऊँ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर कितनी जाएगी, ये भी स्वाद अनुसार, इतना होता है स्वाद अनुसार। लगा दो ढक्कन, धीमी आँच पे बन रहा खाना एकदम बढ़िया। अभी जिस जगह पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ ना, उस जगह का नाम है चिमाचिवो कोवेन इकोइनो हिरोबा। वहाँ रखा ही अभी रात में, तो मैं रात में आया हूँ, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं यहाँ पर आसपास है भी क्या है क्या नहीं है। वो है कि रात को रुकने की जगह मिल गई, सेफ सी पार्क सा है, टॉयलेट है साथ में, वॉश बेसिन है, पानी वानी है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। अरे चिपक गया, मेरे तो प्राय नहीं काला सा पड़ गया। ओ, बहुत गर्म है, पक तो गया ठीक तरीके से, पर वो सोच रहा जो स्वादानुसार नमक डाला था वो कम है, और जो स्वादानुसार काली मिर्च डाली थी वो बहुत ज़्यादा टल गई। ये चिकन से पेट सा तो भरा नहीं, पर यार एक बात है, जैसे जापान में ना रात में ऐसे पार्क वार्क में भाई मच्छर ऐसे ऐसे मार देते हैं, पर यहाँ पर मच्छर नहीं है। सुबह हो तो गई यार, पर रात भर ऐसा कुछ खास सो नहीं पाया, ठंड लगी भाई बहुत गजब की। इस बार मैं स्लीपिंग बैग नहीं लेके आया, उससे फिर धरती पे चुभती है, तो ये मैट्रेस है, एयर मैट्रेस, हवा अपने आप भर जाती है। और ये खेसा ले आया था मैंने कि लगेज कम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, पर ये जो लो ही रहती है खेस, इससे कुछ खास ठंड रुकी नहीं, पर बाकी अपने कपड़े वपड़े पहन रखे थे, इनसे भी बात नहीं बनी। रात को कुछ पता नहीं पड़ रही थी ना, बाल गन के खेलने की जगह करते अपना खाने की तैयारी। अरे नमक और काली मिर्च तो डाला ही नहीं स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, कितना होता है स्वाद अनुसार, काली मिर्च स्वाद अनुसार। शुरू में नीचे चिपक रही थी पर अब तो छूटती जा रही है, अब नहीं चिपक रहा इतना ज्यादा नीचे। अब करेंगे पेट पूजा बढ़िया ब्रेकफास्ट। बढ़िया बढ़िया। इस बार सच में नमक स्वाद अनुसार डला है, ठंड का तो यार सही में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आज। खाते आई गर्मी सी, सही है। पल्ली पर अंकल जी अपना ब्रेकफास्ट बनाने लग रहे हैं। मैं लेट आया था रात को, तो अब रिसेप्शन जाके वो चाचा आ गया था कि भैया पैसे दे दे 1100 यार, मतलब 1100 यार लगे, 800 रुपये के आसपास एक रात के, 11 बजे तक है। यहाँ पर कैंप फायर की भी जगह बहुत क्या। जैसी कैंप की जगह रहती है ना, यहाँ पर शाम को आना चाहिए कायदे से या दोपहर इसी में ही, अपना आसपास मामला सेट देख लो, जगह घूम फिर लो, फिर सेटल होके अपनी पसंद की जगह पे खाओ पियो मौज करो, नहीं तो मैं इतना अंधेरे में आओगे और जहाँ जगह मिले वहीं टिक जाओ।
भाई। वैसे बाल को खेलने के लिए बना दी है छपन छपाई। तो रोड ही आ गई शायद, फिर तो पार्किंग है। एकदम से नस पे नस चढ़ गई यार हाथ की। वो हाथ तो पूरे दो दिन से ऐसा ही है ना, मतलब ऐसे हैंडल भी पकड़ रखा है और ठंड से भी पड़ने लग गई। अब साथ में समुद्र है। नहा धो लिया, उनको मसाज भी ले ले। जी है, ये मॉडल सा बना रखा, 1915 में बनाया था ये। म्यूजियम बना रखा है, ऐसा होता है पब्लिक बाथ। इस पर पानी भर देते हैं ऑन सेंट गर्म गर्म, ये नेचुरल है। यहाँ पर सारा जो गर्म पानी है ना उससे नहाते हैं। इस पर पानी भर दो, ये हो जाता ऑन सेंट। और भी है कुछ आइटम, ये होती है ततामी। ये बिल्कुल वैसे बना के पुराने ज़माने में, जब सामुराई टाइप, जब सामुराई वगैरह का ज़माना होता था तो ऐसे ही नीचे बैठ के मीटिंग चलती थी और राजा महाराजा वहाँ मेन उस पर बैठे रहते थे। ये भाई साहब इन्होंने बनाया ये पूरा। तो ये वाली बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं शिंकान। 1915 में बनाई थी, जब पहली बार जो ऑनसेन होता है ना उसमें मार्बल की टाइल वगैरह लगाई थी, उस टाइम लगाई थी। तो ये बना था सबसे पहले, ये इसीलिए फेमस है। जो ऑनसेन था वो ये नेचुरल तो है, मैंने बहुत सारे देखे, बहुत बढ़िया बढ़िया मैं गया हूँ उनमें। बैठते हैं ना तो व्यू रहता है बहुत कड़ा, पहाड़ों का या समुंदर का। इसमें व्यू नहीं था यार। और वो जो बना हुआ वो ऊपर वो दिख रहा, वो भी 1915 में बनाया था। ये जो टोक्यो का स्टेशन बनाया था ना उस ज़माने में, उसी आर्किटेक्ट ने ये बनाया था। और ये बोला जाता है, मतलब लिखा हुआ ऐसा कि बिना किसी एक कील गाड़े ये बना दिया था पूरा का पूरा टावर। अभी तो खैर रिनोवेशन चल रही है, अब तो कील भी ठोकेंगे इसमें, पर उस ज़माने में भी ऐसा आर्किटेक्ट था, वो बहुत फेमस था।